हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रजनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गो विद स्टारलाइट। आज हम जानेंगे जीभ के ऊपर जमी हुई सफेद परत के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो मुंह की सफाई भी प्रॉपर रखते हैं, जीभ को भी अच्छे से साफ रखते हैं, कुल्ला भी बराबर करते हैं और ब्रश भी ठीक से करते हैं, फिर भी हमारी जीभ के ऊपर ये सफेद रंग की परत क्यों जम जाती है। तो आज हम जानेंगे कि ये सफेद रंग की परत क्यों जम जाती है, ये सफेद रंग की परत होती क्या है, और अगर आपकी जीभ पर ये सफेद रंग की परत जम गई है तो इसका इलाज कैसे करें। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये सफेद रंग की जो परत जम गई है वो क्या होती है, ये क्यों जम जाती है, क्या कारण होते हैं, और अगर ये सफेद रंग की परत जम गई है आपकी जीभ पर तो इसे कैसे दूर किया जाए, इसका कैसे इलाज किया जाए। नंबर वन, मुंह की अगर आप अच्छे से सफाई नहीं रखते हैं, रेगुलर ब्रश नहीं करते हैं, टंग क्लीनर से साफ नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपकी जीभ के ऊपर जो है सफेद रंग की परत जमना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको रेगुलरली 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, 2 टाइम टंग क्लीनर से जीभ को साफ करना चाहिए और हर खाने के बाद कुल्ले करने चाहिए। साथ ही साथ 1 ग्लास गुनगुने पानी लेना है, उसके अंदर 1/2 चम्मच नमक डाल करके कुल्ले करने हैं रेगुलरली। ऐसा करने से आपकी जीभ के ऊपर ना तो कोई खाना इकट्ठा होगा और ना ही कोई बैक्टीरिया इकट्ठा होगा। लेकिन अगर आप साफ नहीं करते हैं तो उस जगह पर बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं और आपके मुंह से बदबू आने लग जाती है और सफेद रंग की परत जम जाती है। तो अपने मुंह की ठीक से सफाई रखें। नंबर 2, ड्राई माउथ। अगर आपको ड्राई माउथ की समस्या है, आपका मुंह बार बार सूख जाता है, तो इसकी वजह से आपके जीभ के ऊपर जो है सफेद रंग के दाग दिखाई देते हैं, सफेद रंग के पैचेस दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके मुंह में सलाइवा कम बनता है या लार कम बनता है, जिसकी वजह से क्या है जीभ के ऊपर खाना इकट्ठा होता रहता है, बैक्टीरिया इकट्ठा होते रहते हैं, जिसकी वजह से सफेद रंग की परत जम जाती है और जब भी आप किसी से बात करते हैं तो मुंह में से बदबू आने लग जाती है। तो इसके लिए आपको जितना हो सके उतना पानी पीना है रेगुलरली, जिससे लार और सलाइवा ज़्यादा बनने की वजह से और पानी ज़्यादा पीने की वजह से आपकी जीभ बार बार साफ होती रहेगी, उसके ऊपर बैक्टीरिया या फिर कोई भी खाना नहीं इकट्ठा होगा। नंबर 3, प्री कैंसरस लीजन। काफ़ी लोगों को प्री कैंसरस लीजन होते हैं, जैसे कि लाइकन प्लैनस हो गया, यूकोप्लेकिया हो गया, इनकी वजह से भी उनकी जीभ सफ़ेद होती है, सफ़ेद रंग के पैचेस होते हैं उनकी जीभ के ऊपर। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है और उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना है। इसके अंदर आपको लेज़र थेरेपी भी लेनी पड़ सकती है या फिर नॉर्मल सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। नंबर 4, एड्स या फिर सिफिलिस। अगर आपकी जीभ के ऊपर सफ़ेद रंग के पैचेस जो हैं वो एड्स या सिफिलिस की वजह से है, तो उस टाइम पर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसमें जो है वो कुछ मेडिसिन्स देंगे, वो आपको लेनी होगी, साथ ही साथ कभी कभार सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। उसके साथ साथ आपको अपने मुंह को अच्छे से साफ रखना है, रेगुलर 2 टाइम ब्रश करना है, 2 टाइम टंग क्लीनर से जीभ को साफ करना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना है, हर खाने के बाद माउथ वॉश यूज़ करना है। नंबर 5, फंगल इन्फेक्शन। कई बार हमारे मुँह के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी जीभ के ऊपर सफ़ेद रंग की परत जम जाती है, सफ़ेद रंग के पैचेस बन जाते हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वो आपको एंटी फंगल मेडिसिन देगा, जिस तरह से वो प्रिस्क्राइब करें उस तरह से आप उनको लीजिए, आपको जल्द उसमें राहत मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ अपने मुंह को अच्छे से सफाई रखनी है, अपनी टंग को दिन में 2 बार साफ करना है टंग क्लीनर से। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल या फिर क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा, तो मेरे भी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें ताकि उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी मिले। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।